मायावती और अखिलेश यादव के साथ आने पर क्रेडिट आजम खान ने लिया। सपा नेता आजम खान का गठबंधन पर बड़ा बयान, कहा बहुत पहले से हम चाहते थे ये हो, इसके बनी हम हैं, हमने इसकी शुरुआत की थी, अखिलेश यादव से हमने बात की थी कि सपा भाजपा का गठबंधन ही कुछ बदलाव ला सकता है। आजम बोले इतनी सीटें विपक्ष की थी, पार्लियामेंट में बीजेपी की उससे कम आना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान का रुख बदलने के लिए यूपी अकेला ही काफी है। बसपा सपा गठबंधन को भाजपा के ठग गठबंधन कहते हुए आजम खान का पलटवार, कहा शर्म नहीं आती, कुतिया को बिस्तर पर सुलाते हैं और गोमाता को सड़क पर मारते हैं, क्या हाल किया है सीबीआई का, दुनिया के सबसे बड़े स्कैम में होगा ये, और क्या क्या कहा आजम खान ने, सुनिए उन्हीं की जवानी। उसमें कहीं भी मुसलमान अपने आप को इस मेन स्ट्रीम की धारा में, जो राजनीतिक बदलाव है, उसमें कहीं किसी किस्म की वो बाधा नहीं बनना चाहता। हम जानते हैं कि हमारे वोटों की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे वोट किसी बदलाव में मददगार जरूर हो सकते हैं। हमारे तस्करे की भी जरूरत नहीं है, हमारी समस्याओं पर कोई गौर फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी जरूरत जरूर है कि सिर्फ कह देने से न देश बचेगा न संविधान बचेगा। संविधान तब बचेगा जब हमारा जुडिशियल सिस्टम बचेगा। अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम नहीं बचा तो संविधान नहीं बचेगा। अभी ये जो बिल पास हुआ है अगड़ों के सिलसिले में, ये संविधान और हमारी न्याय क्रिया के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब इस पर क्या अदालतें रुख इख्तियार करेंगी वो तो वो जानेंगी, लेकिन सच बात यह है कि संविधान को बचाने के लिए भी हमें अपनी न्याय व्यवस्था को बचाना होगा। अगर वो कहीं कमजोर होती है, सुप्रीम कोर्ट कमजोर होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए सत्ता में रहे दलों ने जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह की धमकियां दी, और गुजरी रात तक ये कहा गया कि घेराव अगर होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, तो जो लोग अराजकता की इतनी मंजिलें पार कर चुके हों उसको मद्देनजर रखते हुए गठबंधन करने वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था पर कोई आंच आ गई तो कोई व्यवस्था